भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार में एनडीए नहीं रहेगी, एनडीए टूटेगी। राजद और बाकी आप कोई नहीं। लालू प्रसाद की सरकार आने वाली है, स्पष्ट आएगी। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में, जहां पर बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग थलग पड़ते नजर आ रही हैं। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। आइए बात करते हैं हम यहां पर एक मौजूद व्यक्ति से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामस्वरूप प्रसाद। सर, तो यहाँ पर जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें राजनीतिक दल अलग थलग पड़ती नजर आ रही है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों ही अलग थलग पड़ते आ रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? मैं वो कहना है कि भाजपा की सरकार बनेगी। आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग तो खैर ये लोग, देखिए बड़े नेता जो होते हैं ना, छोटे नेता को ऐसा वीडियो दिखाते हैं कि ऑटोमेटिक जो उनके दिमाग जो है ना अपसेट होना शुरू हो जाती है, समझे ना। जो इस तरह के किसी भी पार्टी में इतना कड़क कानून होनी चाहिए कि जो इधर से इधर आ इधर से इधर न, कभी भी नहीं ऐसे हो। ऐसा कानून पार्टी के अंदर बननी चाहिए। हमेशा चुनाव के पहले ये देखा गया है कि सभी पार्टियां अपना फायदा देखकर इधर से उधर दल बदल लेती है, तो लोग किस पे यकीन करें? वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, ये किसी भी पार्टी में ये नियम को लागू करना चाहिए इन लोग को कि जो इधर ना हो उधर ना हो। इधर ये इधर जो नौटंकी जो होता है ना, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। देखिए, सब लोग अपना स्वार्थ पर ले गए, सब स्वार्थ के चलते सब अलग हो गया है, लेकिन रघुवर दास जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा रहेगा पोजिशन वहाँ पर, अच्छा रहेगा। तो मतलब जितनी भी पार्टियों ने भाजपा का साथ छोड़ा है, ये उनका ही नुकसान है? नुकसान तो उसी का होगा, नुकसान उसी का होगा। वो तो पार्टी है तो चुनाव लड़ेगा ही ना, लेकिन वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है। पर ये जो अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इसका असर बिहार में क्या देखने को मिलेगा? बिहार में भी अलग चुनाव होगा। बिहार में एनडीए नहीं रहेगी, एनडीए टूटेगी। मगर चुनाव आते आते सभी पार्टियां एक हो जाती हैं, महागठबंधन में लड़ती हैं। मौका का यार सब देखता है ना, सब मौका पर दुर्भाग्य जो है पब्लिक होता है, जितने राजनीतिक पार्टी हैं जो पब्लिक को दुर्भाग्य बनाते हैं। जैसे अभी बम्बे में देखिए, महाराष्ट्र में दोनों साथे लड़ करके जब जो है ना एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, तो हम आप दुर्भाग्य हैं। अपना मत से ही चुनाव किसी को भी चुनना चाहिए, और वहाँ पर बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है, दोनों बात नहीं। अलग थलग तो हमको दिखलाई नहीं पड़ रहा है, सभी पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही हैं। वो लड़ने का क्या कीजिएगा, हर एक पार्टी लड़ती है। लोजपा अलग हो गई है, भाजपा अलग लड़ रही है, जनता दल अलग चुनाव लड़ रही है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रघुवर दास बहुत अच्छा कीन है, तो किसी भी हाल में भाजपा की जीत होगी। वो तो लड़ा जाएगा, तो चुनाव में एक आयु सीट लेबे करेगा, ऐसा तो नहीं है कि जब मैंने राजद खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। जो अलग हो रहे हैं अच्छी बात नहीं है, उनको साथ में लड़ाई करनी चाहिए थी, इससे भारत बिहार झारखंड एक रहता, उससे उसको महान कहा जाता। अब अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, उनको देखिएगा जीत किसी और का होगा, जितना चाहिए कोई और जीतेगा। और जो गठबंधन होते हैं, आज राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद जी आज बाहर रहते हैं, तो वो आज सबको एक साथ एक रास्ते में लाते हैं, और जीत राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग आपस में टूट ना बना के अटूट बना दिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वहाँ बीजेपी का फुली सपोर्ट होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। तो जो पार्टियाँ अलग हो रही हैं भाजपा से, उनका नुकसान है? हाँ, होगा। जेडीयू का मान लीजिए कि अलायंस था बिहार में, लेकिन यहाँ का जो तिकड़म जो हुआ, इससे नीतीश जी नाराज़ हुए तो फिर इन्होंने अलग किया, लेकिन बीजेपी का वहाँ अच्छा है रिस्पॉन्स रहेगा झारखंड में। और जो महागठबंधन दल बिहार में, जो महागठबंधन दल हम एक है का नारा लगाते हैं, वो भी अलग थलग झारखंड में चुनाव। बिहार में भी महागठबंधन था और सब लोग कह रहे थे कि महागठबंधन का ही सरकार बनेगा। रिजल्ट आया तो पता चल गया कि जेडीयू का, वो भी जेडीयू का अच्छा सीट मिला इसलिए कि बीजेपी से अलायंस था। अगर जब बीजेपी से अलायंस नहीं होता तो शायद इतना सीट नहीं आता। ये जो जैसे आदमी गरीब आदमी को अधिक करेगा भलाई, उसको बढ़िया अधिक नतीजा मिलेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां साथ हो जाएंगी? बिल्कुल, सब साथ लड़ेंगे। बिल्कुल। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए ठीक है। आरक्षण का रिजल्ट सुन करके जो होगा बिहार में होगा। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि झारखंड में परिणाम आने के बाद ये फैसला होगा कि वो बिहार में किस हिसाब से पार्टियां लड़ती हैं? ठीक है अंकल जी, ठीक है, थैंक यू। बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की सरकार,
भाजपा की सरकार के बिना कुछ नहीं है और भाजपा की सरकार नीतीश की सरकार के बिना कुछ नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? वैसा बात नहीं है, यहाँ नीतीश की सरकार चल रहा है तो बीजेपी के बदौलत ही चल रहा है, अब बीजेपी ही अच्छा है। मगर 15 साल से नीतीश सरकार है बिहार में, इसलिए तो कह रहे हैं कि बीजेपी ही अच्छा है। तो आपका कहना है कि बीजेपी के बदौलत ही बिहार में नीतीश सरकार है, अगर वो नहीं रहेगी तो फिर गिर जाएगी सरकार, सरकार गिर जाएगी। आप किसको चाहते हैं देखना? भाजपा, बीजेपी। आपका क्या कहना है, ये लोजपा ने भी अब भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया है तो वो जाएंगे तेल बेचे के निकले? कौन सी पार्टी जाएगी? लोजपा जाएगी, और कौन जाएगा? लोजपा जाएगी, भाजपा की किसी भी हालत में जीती हो, जीतना होना। और बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा? सारी पार्टी अलग होगी, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों अलग अलग, सारी पार्टी अलग लड़ रही है झारखंड में। नीतीश कुमार किए हैं लेकिन भाजपा के साथ है, लेकिन खलसर में तो अकेले चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पिछले साल भाजपा नहीं थी जब पिछला चुनाव हुआ था, हाँ तो राजद के बदौलत में वो थे। तो नीतीश सरकार को हमेशा एक किसी दल की जरूरत पड़ती है, झटका जरूरी है। ज्यादा दिन रह गया के बाद में सबको होता है कि अब हमारे बिना एक काम नहीं चलेगा, तो अहम होता है, वो टूट जाना भी चाहिए, उसको भी टूटना चाहिए, नीतीशों का सपना टूटना चाहिए। अब उनके दिमाग, अब भाजपा को भी चाहिए, अब जो मन में हुआ वो कर दिए। अब पब्लिक का क्या है ना, उससे तो कोई बहस नहीं, सबको देखा बार बार, एक बार लालू प्रसाद को देखा जाए, उसकी जीत आएगी। जैसे बिहार में अमन चैन शांति है, उसी तरह झारखंड में होता विकास। भाजपा और शिवसेना जो 30 साल पुरानी पार्टी है वो भी अब टूट चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है? कहना ये है कि दोनों हिंदुत्व की पार्टी है, शिवसेना पूरी तरह हिंदुत्व की पार्टी पर जीतती आई है। यहाँ तक कि जब बाबरी विध्वंस हुई थी तो बाला साहब ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाँ मैं तोड़ा हूँ, और उस दम पर ही शिवसेना अपना साम्राज्य कायम खड़ा किया था। आज ये कांग्रेस की ओर जा रहे हैं जो सेकुलरवादी कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये शिवसेना वाले कांग्रेस और जाएंगे तो निश्चित रूप में वहाँ का हिंदुत्व जो पार्टी है, वहाँ का जो मराठा छत्रप है, वहाँ का जो हिंदुत्व वीर सावरकर जी का या और अन्य लोगों का वहाँ जो अपना धारा है, उस धारा से विमुख हो जाएंगे और शिवसेना का नुकसान होने वाला है, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया था। टोटल वोट बीजेपी को भी और शिवसेना को, खास कर महाराष्ट्र में देखने को मिला कि नीतीश बाबू तो यहाँ सिर्फ बंद करने के सिवा कुछ खोले ही नहीं है, ओनली फॉर बंदी। अगर बिहार का विकास अगर चाहिए तो हमें लालू जी को लाना होगा, और हम तो लालू जी को ही वोट देंगे, इसलिए कि बिहार के लिए कुछ ऐसे काम करके गए हैं लालू जी कि जो आज तक किसी में बाजू में दम भी। तो जो ये सारी पार्टी हैं जो लड़ रही हैं वहाँ पर चुनाव, अब इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या होगा? हम नहीं समझते हैं कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, नहीं ठीक रहेगा बिहार में स्थिति इसकी, ठीक रहेगी बीजेपी का, जदयू का थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो जदयू और भाजपा अगर एक साथ गठबंधन करते हैं फिर से बिहार में, उसमें फिर उसमें भी डिटरेट होगा सीट में, बीजेपी की सीट बढ़ेगा और जदयू का सीट थोड़ा सा घटेगा। तो ये थी झारखंड विधानसभा चुनाव पर आम जनता की राय। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां अलग थलग नजर आती हैं या फिर वो सब के सब एकजुट हो जाती हैं। धन्यवाद।